बड़े बड़े ब्रांड्स के क्रीम आप लगा चुके हो, या फिर जो भी आपके बजट में है, जो आपका पॉकेट अलाउ करता है, वो आप क्रीम लगा चुके हैं, फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं, सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, हर हफ्ते में एक बार फेस स्क्रब भी कर लेते हैं, दो बार फेस स्क्रब कर लेते हैं, उसके बाद आप फेस पैक का भी इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ करने के बावजूद भी कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके स्किन में वो ग्लो नहीं है जो आप किसी और के चेहरे के ऊपर जो आप देखते हो, तो आपको थोड़ी सी जलन होती है कि भाई ऐसा ये क्या करती है जो कि इसकी स्किन इतनी ज्यादा फ्लॉलेस है, ग्लोइंग है, ब्राइट है, और मैं सब कुछ करती हूँ उसके बावजूद जो है मेरी स्किन इतनी ग्लोइंग, फ्लॉलेस और ब्राइट नहीं है। तो वैसे तो टाइटल और थंबनेल देख के आपको समझ में आ ही गया है कि आज मैं आप सबके साथ कौन सा शेयर करने वाली, कौन सी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। ये ज्यादा देर नहीं करते, स्टार्ट कर देते हैं सुपर से भी ऊपर वाले इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे, और दिल से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी विद छवि में, और मैं हूं आपकी प्यारी दुलारी न्यारी सी छवि। इस प्यार दुलार को बनाए रखने के लिए और बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब कर दे, बाजू में एक बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कर दे, उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना यह है कि जब भी बेल आइकॉन को क्लिक करें ना, तो ऑल के ऊपर क्लिक करें। ऑल के ऊपर क्लिक करने से ये फायदा होता है कि मैं कभी भी कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी ना, जैसे कि शॉर्ट्स डालती हूँ या फिर इतू इतू छोटे छोटे से वीडियो अपलोड करती हूँ, उसके भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना सब कुछ फ्री है, तो आप जितना हो सके अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। तो क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग सब कुछ अपने चेहरे के लिए कर लेते हैं, जैसे कि मैं स्टार्टिंग के वीडियो में बताई थी, सब कुछ करते हैं लेकिन हमारे चेहरे पे कहीं ना कुछ एक कमी रह जाती है। तो आपको मैं बताती हूँ कि चेहरे के लिए स्टीम लेना कितना इम्पोर्टेंट है, बनाना जो आपको मैं बताऊंगी, लेकिन उसके पहले जब आपको ये पता चल जाएगा कि हमारी स्किन के लिए स्टीम लेना कितना इम्पोर्टेंट है, तब जब आप इस वीडियो को देखेंगी तब आप 100% अपने किचन में जाएंगी और जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे वैसे आप करेंगी, और आप मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप स्टीम लेना जरूर शुरू करेंगी। दोस्तों, क्या होता है कि हम अपने स्किन का बहुत ख्याल रखते हैं, यानी कि महंगे से महंगे क्रीम इस्तेमाल करते हैं, फेस पैक का इस्तेमाल करते हैं, फेस स्क्रब का इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक मेजर चीज भूल जाते हैं और वो है स्टीम लेना। हमें क्या लगता है कि भैया कौन स्टीम लेने से क्या होगा, स्टीम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर स्टीम नहीं लेंगे तो क्या मेरी स्किन के ऊपर क्या खराबी हो जाएगी, तो बहुत कुछ हमारे दिमाग में चलता है और हम लोग स्टीम को लेना इग्नोर कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, वैसे भी अगर आप फेस के पर्पस से छोड़ दीजिए कि भैया मुझे अपने चेहरे की खूबसूरती को निखारने के लिए स्टीम लेना है, अगर आप इस खूबसूरती को निखारने की बात अगर आप इग्नोर भी कर देते हैं, तो भी हेल्थ पर्पस से अगर आप हफ्ते में दो बार अगर आप स्टीम लेते हैं तो आपके लिए बहुत 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 बेनिफिशियल होता है। फेस पर्पस को हटा दीजिए, है ना, हेल्थ पर्पस से भी अगर आप स्टीम लेते हैं तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूं कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर आपको हेडेक की परेशानी होती है तो आप धीरे धीरे देखोगे कि आपके हेडेक की परेशानी कम होने लगी। अगर आपको माइग्रेन की परेशानी है तो उसमें भी स्टीम लेना जो है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। साथ ही साथ अगर आप वीकली अगर आप स्टीम लेना शुरू करते हैं तो आपको सर्दी जुकाम की जो परेशानी है ना, वो भी बहुत हद तक कम हो जाएगी। यहाँ तक स्टीम लेना जो है ना, इसनोफिलिया जो परेशानी होती है ना, उसमें भी स्टीम लेना बहुत ज्यादा कारगर होता है। तो आप सोच लीजिए कि स्टीम लेना हमारे हेल्थ पर्पस से कितना ज्यादा बेनिफिशियल है। अब आ जाते हैं ब्यूटी पर्पस के बारे में। अगर आप सब कुछ करते हैं, बड़े ब्रांड्स के सब कुछ आप अपने चेहरे के ऊपर लगाते हैं, यहाँ तक कि आप अपने बजट के हिसाब से सब कुछ लगाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके चेहरे के ऊपर पिंपल्स आ रहे हैं, एक्ने आ रहे हैं, आपकी स्किन में ग्लो नहीं है, इतने सारे ब्लैक हेड्स क्यों हैं, ये व्हाइट हेड्स क्यों हो रहे हैं, मीन्स स्किन में बहुत सारी परेशानियां बढ़ती ही जा रही है, तब आपके लिए ये स्टीम जो है वो रामबाण साबित होने वाला है। दोस्तों, आज जो मैं स्टीम लेकर के आई हूँ ये आपके चेहरे के ऊपर एक्ने नहीं होने देने वाला है, स्कार्स नहीं होने देना है, देने वाला है, पिंपल्स नहीं होने देने वाला है, साथ ही साथ
आपके स्किन टोन को निखारने वाला है। और उससे बड़ी बात कि भाई गजब का है, जब आप लेंगी ना इस स्टीम को और उसके बाद जब आप मुझे एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ते में ही आपको फर्क पता चलेगा, एक हफ्ते के बाद जब आप मुझे बताएंगी तो मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी होगी। दोस्तों क्या होता है, हम लोग चेहरे के ऊपर क्रीम वगैरह तो बहुत ज्यादा लगा लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे ओपन पोर्स को ब्लॉक करना शुरू कर देता है, यानी कि जो हमारे चेहरे के ऊपर जो रोम छिद्र होते हैं, भाई जब हमारी स्किन को सांस लेने का ही रास्ता नहीं मिलेगा, है ना। जब आप, आपको नहीं लगता कि जब हमारे नाक जब बंद हो जाते हैं तो हम लोग कैसे सांस लेते हैं, माउथ से सांस लेते हैं ना, वैसे ही क्या होता है जब हमारे चेहरे के ऊपर आप क्रीम का लेयर पोतते चले जाते हो, उसके बाद आप मार्केट जाते हो, ऑफिस जाते हो, सिर्फ फेस वॉश कर लेते हो अच्छे ब्रांड के, या फिर DIY से अपने चेहरे को वॉश कर लेते हो और आपको लगता है कि भैया मेरा तो काम खत्म हो गया। लेकिन क्या होता है, आपके स्किन के अंदर जो है ना वो डेड स्किन जो है वो बनती चली जाती है, बनती लेयर बाय लेयर चला जाता है और धीरे धीरे आपकी स्किन इतनी ज्यादा अंदर से ऑयली होने लगती है कि आपके स्किन के ऊपर जो है ना अंदर की जो गंदगी है ना वो ऊपर की तरफ निकलना शुरू होता है, जो कि एक्ने के, स्कार्स के और पिंपल्स के रूप में निकलता है। फिर आप परेशान हो जाते हैं कि भैया इतना सब कुछ किया, ये किया, वो किया, फिर भी हमारे चेहरे के ऊपर क्यों आ रहा है। तो यही रीजन है कि भैया आपके जब ओपन पोर्स जो है, आपके जो रोम छिद्र है, उनको जब सांस लेने की जगह ही नहीं है तो वो आपकी स्किन में को खूबसूरत कैसे बनाएंगे, है ना। तो भाई स्टीम लेना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अब इस ज्ञान को मैं बंद करती हूँ, अब मैं आपको बताती हूँ कि स्टीम लेना कैसे है और स्टीम आपको कैसे लेना है। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर में जो मैं बता रही हूँ आप कर सकते हो, और नहीं मेरे पास स्टीमर भी है बट मैं मोस्टली जो चेहरे के ऊपर जो स्टीम लेना होता है मैं भगोने के अंदर, यानी कि बड़े से बर्तन के अंदर ही मैं स्टीम लेती हूँ। तो यानी कि ये जो स्टीम लेना है आपको, उस पानी को बनाने के लिए आपको क्या करना है, तकरीबन आप समझ लीजिए ना 1/2 लीटर के करीब में आपको पानी ले लेना, 1/2 लीटर। आप उससे भी कम ले सकते हैं लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं 1/2 लीटर पानी लेती हूँ। तो 1/2 लीटर आपको ले लेना है पानी। अब जो इसके अंदर दोस्तों आपको सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड करना है, एकदम ध्यान से सुने, आप चाहें तो इसके अंदर टर्मरिक एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करना है आपको। अगर आपको सूट करता है तो टर्मरिक एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, एसेंशियल ऑयल, ओके। अगर आपको, अगर आपके चेहरे के ऊपर पिंपल्स वगैरह बहुत आते हैं, एक्ने वगैरह बहुत आते हैं, तो आप टी ट्री एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल है तो आप चाहे तो सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो ये टी ट्री एसेंशियल ऑयल है ये आपके पिंपल्स वगैरह को आने से रोकता है, और सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ग्लोइंग है, बट आपकी रंगत कम है, तो जो सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल है ये आपकी रंगत को निखारने में काम आता है। और जो ये टर्मरिक एसेंशियल ऑयल है ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज से भरपूर होता है, जो कि आपकी खूबसूरती में तो 4 चांद लगाता ही है, साथ ही साथ अगर आपके चेहरे के ऊपर एक्ने स्कार्स आते हैं तो उसको भी आने से रोकता है, ठीक है। अब आपको ये एसेंशियल ऑयल कितना डालना है, तो सिर्फ 2 ड्रॉप डालना है, यानी कि 2 बूंद। एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कभी भी ज्यादा नहीं करना चाहिए, अगर आप एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल ज्यादा करती हैं तो आपके स्किन में जलन होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए प्यार मोहब्बत में छवि ने तो 2 बोला है, 4 बूंद डाल देती हूँ, 4 ड्रॉप डाल देती हूँ, क्या होना है। तो ये प्यार मोहब्बत है ना, वो आपकी स्किन को नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए मैं जितना बता रही हूँ उतना ही आप लेंगी। जो भी एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल आप इन तीनों में से, जो भी मैं बोली हूँ इसमें से, जो भी आप एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करती हैं, आपको सिर्फ 2 ड्रॉप ही डालना है। अगर आप मुझसे पूछते हो तो मुझे सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल सूट करता है, तो मैं सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। अब जो दोस्तों इसके अंदर आपको 3rd इंग्रेडिएंट ऐड करना है, अच्छा एक बात और, अगर आपके पास ये कोई भी एसेंशियल ऑयल नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, सारे एसेंशियल ऑयल का सबसे बड़ा गुरु मैं आपके पास लेकर के आ रही हूँ, वो है टर्मरिक, ठीक है। आपको क्या करना है, एकदम साफ सुथरा जो टर्मरिक पाउडर होता है, यानी कि जो हल्दी का पाउडर होता है, वो आपको क्या करना है, 3 पिंच के करीब में, 3 चुटकी के करीब में, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में पूछते हो तो 1/2 स्पून से थोड़ा कम जो है आप पानी के अंदर डाल देंगे, ठीक है। मैं जब ये बना रही हूँ तो मेरे पास सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल खत्म था, तो मैं क्या क्यों डायरेक्ट मैं ये डाल दी हूँ, क्या बोलते हैं
जो अपना टर्मरिक है ना हल्दी वो डाल दी हूं मैं। अब जो दोस्तों इसके अंदर आपको नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो ऐड करना है आपको दालचीनी, और दालचीनी भी हमारे चेहरे के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, स्पेशली अगर आपके चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन है, अगर आपके चेहरे के ऊपर काले दाग धब्बे हैं, झाइयां हैं, तो उसके लिए दालचीनी से बेस्ट कोई चीज हो ही नहीं सकता है। यानी कि दालचीनी का स्टीम लेना सुपर आइडिया होता है, ठीक है। तो अब दालचीनी आपको कितना लेना है ये देख रहे हो आप, 1 इंच के करीब में इतना सा, ठीक है। वो आपको एक टुकड़ा तोड़ के इसके अंदर आपको डाल देना है। अच्छा, अगर आपके चेहरे के ऊपर पिंपल्स वगैरह है ना तो भी आप दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है दोस्तों वो ऐड करना है लौंग। लौंग वंस अगेन हमारे स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है, हमारे हेल्थ के पर्पज से भी बहुत बेनिफिशियल है। तो आपको क्या करना है इसके अंदर ऐड करना है लौंग, और लौंग आपको ऐड करना है 2 से 3 जो है लौंग आपको इसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छा, अगर आपके पास दालचीनी पाउडर अवेलेबल हो ना तो आप दालचीनी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो 1/4, यानी कि 1/4 आप दालचीनी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मैं ना हमेशा दालचीनी के स्टिक जो होते हैं उसी का इस्तेमाल करती हूँ, वैसे आपकी मर्जी। लौंग 2 आपको डाल देना है इसके अंदर। अब आपको क्या करना है, कवर कर देना है एकदम से, जो आपका भगोना है पतीला उसको कवर करके गैस के ऊपर छोड़ देना है लो फ्लेम में, हाई फ्लेम एकदम लो फ्लेम में। हाई फ्लेम में क्या होगा, पानी उबल जाएगा बट वो मजा उतना नहीं देगा, तो लो फ्लेम में आपको उबालना है। जब ये एकदम से उबल जाता है, पानी एकदम अच्छे से उबल जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है, गैस को ऑफ कर देना है। कम से कम 3 से 4 मिनट तक पानी को उबालना है ताकि सारे इंग्रेडिएंट आपस में घुल मिल जाए। उसके बाद गैस को आपको ऑफ करना है, और उसके बाद आपको स्टीम लेना है। स्टीम कितने मिनट लेना है, 1 से 2 मिनट आपको स्टीम लेना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है जो स्टीमर है आपका और आपका फेस है इसके बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो कम से कम इतने 1/2 फीट की दूरी होनी चाहिए। ये स्टीमर है और ये आपका फेस नहीं होना चाहिए, मतलब इतना नजदीक से नहीं, नहीं तो आपकी स्किन जल जाएगी। तो स्टीम लेते समय थोड़ी सी दूरी बना करके आपको हमेशा रखना चाहिए, तो 1 से 2 मिनट तक आपको स्टीम ले लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी अगर आपके पास पिन हो, जो अपना जो सेफ्टी पिन होता है अगर वो आपके पास है तो आप उसके उससे जो है अपने नोज को, ब्लैक हेड्स को, जहां कहीं भी हो, यहाँ जहां कहीं भी हो आप ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स निकाल सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ मैं उसका इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं हमेशा रफ टॉवल, जो मेरा जो खराब टॉवल होता है उसको लेती हूँ और उससे मैं अपने ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को निकालती हूँ। अब बात कर लेते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि भाई इसको हफ्ते में कितने बार करना है। उसके पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आपको मैं बताई ना एसेंशियल ऑयल, ये आपको भगोने में नहीं डालना है। जब पानी उबल जाता है, जब आप पानी जब उबाल लेते हैं उसके बाद जब आप स्टीम लेने वाले होते हो उसके पहले जो है आपको एसेंशियल ऑयल डालना है, उबलते समय नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। मैं आपको इंग्रेडिएंट बता रही थी उसमें मैं वो भी बता दी कि 2 ड्रॉप, बट जब पानी उबल जाता है, जब आप गैस को ऑफ करते हैं, ऑफ करने के जब आप गैस को ऑफ करते हैं उस समय आपको एसेंशियल ऑयल डाल देना है 2 ड्रॉप, ठीक है। ये हफ्ते में इसको कितने बार इस्तेमाल करना, अगर हफ्ते में अगर आप 2 बार इस्तेमाल कर लेते हो तो सफिशियंट है, उससे ज्यादा इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये स्टीम लेने की अगर आप बोलते हो, जैसे मैं बताई हूँ वैसे अगर लेने की उम्र की अगर बात करते हो, तो अगर आपके बच्चे की उम्र हो गई है 13 साल की तो आराम से इसे स्टीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।